मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान की शुरुआत करते हैं, या आप कॉन्शियसली इसे डेली बेसिस में करते हैं, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ फ़ायदे नहीं लगते हैं। मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बात करना, ज़्यादा सुनना पढ़ना बहुत बड़े फ़ायदे नहीं होते हैं। मेडिटेशन आप रेगुलर करके देखिए, यदि आपको कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा हो तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। आप उसे रेगुलर करते रहें, आप उसे रेगुलर करेंगे तो पॉजिटिवली कुछ बदलाव आपके शरीर में, आपके जीवन में आते दिखेंगे। मेडिटेशन पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है और ये पाया गया है कि मेडिटेशन से बहुत सारी चीज़ों का बदलाव होता है अपने शरीर में। मेडिटेशन करने से जो आपकी एजिंग सिस्टम है, बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है, वो स्लो हो जाती है। यदि आप मेडिटेशन रेगुलर करते हैं, आपको जो बीमारियां होती है 25% बीमारी कम हो जाएगी और आप 5 से 10 साल अधिक जी सकते हैं आम लोगों के भांति, और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन का एक फ़ायदा है। मेडिटेशन करने से दिमाग का जो सेल्स होती है उनका बनना भी अच्छा हो जाता है, और दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है मेडिटेशन के बाद, ऐसा देखा गया है कि हमारे दिमाग में कुछ आंतरिक बदलाव होते जाते हैं, उसमें एक पॉजिटिव बदलाव दिखाई पड़ता है। जिनको भी तनाव का प्रॉब्लम है उससे मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से तनाव की स्थिति कम होती है। यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करें तो आपका तनाव धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपके बीपी, पल्स रेट, स्लीप, ये जितने भी बीमारियां हैं आपकी, सभी को मेडिटेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसे आप रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा।